Hey everyone, welcome to our channel, से प्रकृति छोटी दुनिया। तो यहाँ आ चुकी है नेक्स्ट सुबह और हम लोग हो चुके तैयार। मेरा है आज का ये गेटअप, ओम नवी के पापा का ये गेटअप, ओम नवी का ये गेटअप। नहीं, उसमें ट्रॉली में डाल देती हूँ। रुकिए, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। ये आप आपका भी नहीं ले चलेंगे वाला। ओम नवी फास्ट करिए, ओम नवी चलिए 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 चलिए। कम बिटू कम। चलिए चलिए बगू, लिफ्ट ऑन हो गया। चलिए, कोई बच्चा रो रहा है, वो मेरे को देख के भाग क्या रही है। नहीं देख, दोस्त से मिलने, वो देखिए वो देखिए। जब कोई बच्चा होता है पता नहीं है क्यों हंसती है पापा। हम समझ ही नहीं पाते। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट एरिया में। दिस इज बुग्गा, दिस इज बुग्गा माता, संतूर मॉम। एंड मैं आपको बैक से दिखाती हूँ पूरा यहाँ पे जो है एरिया। एरिया तो बहुत सारा है डाइनिंग एरिया, बट यहाँ पे जहाँ पे जैसे क्या है ना बॉक्स बॉक्स में, तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का पर्सनली। ये इंडियन का है, यहाँ भी है, फिर इसके आगे भी है, उधर भी है, और जो कॉन्टिनेंटल वाला है वो उस साइड है। बट ये इंडियन अभी यहाँ, जो क्योंकि हम लोग अभी आपको पता ही होगा कि हम लोग मोस्टली सब इंडियन ही इन मोस्टली क्या सब इंडियन ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कैसा इन लोगों ने कर दिया है। तो लेट्स हैव लंच ब्रेकफास्ट। क्या हो गया? ऑमलेट, भटूरे, छोला चटनी, बहुत सारी चीज़ें थी, मगर हमने सिर्फ इतना ही लिया। दोस्तों नाश्ता वाश्ता हो गया, मैं फ्रूट लिया मैंने, और ओम नवी के पापा के ऊपर चेंज करने के लिए बोले। मुझे मुझे ओके नहीं लग रहा है स्वादा ड्रेस, अरे अच्छा लग रहा है आप, अरे नहीं अच्छा लग रहा हूँ। और सुबह मैंने तो पूछा, जो मैंने बोला था वो पहने ही नहीं, अपनी मर्जी से पहन लिया। चलो नहीं यार, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है, कोई देगा ही नहीं। वही तो, ये देखो तो, देख लो कितना विंडो है, फ्रेश एयर के लिए। हाँ सब कुछ एक्चुअली बहुत अच्छा है, सच बोले तो एटमोसफेयर बहुत साफ है। आगे पॉल्यूशन मतलब समझिए, पॉल्यूशन के नाम पे 0% पॉल्यूशन है। हरे घर एक जैसे अगर आपका कोई सामान है। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं लिंट चॉकलेट फैक्ट्री, और यहाँ पे मैं ओम नवी और ओम नवी के पापा का एक फोटो लेती हूँ। हो सकता है अपॉइंटमेंट लेने के या गाइड करने के लिए। नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। अंकल आंटी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बोल जस्ट फॉर द शो। कहाँ जा रहे हैं चारों तरफ, तो शूटिंग ही चल रहा है। रोटू We are here for popping only, na? What is your favorite? We will eat what is your favorite. हमने टूर वाले अंकल से पूछा कि क्या हमें वो फैक्ट्री के अंदर पूरा ले जाएंगे, तो बोले एक्चुअली वहाँ अलाउड नहीं है, तो वो सिर्फ हमें अभी चॉकलेट शॉपिंग के लिए ले जा रहे हैं। एंड ओम नवी सो एक्साइटेड बिकॉज ऑफ प्रेगनेंस ऑफ द चॉकलेट।
I like the guy. He's so fit. Talking to the man that was so handsome and so fit. बहुत handsome और बहुत fit है. And actually he is बहुत ज़्यादा ही fit है. अभी आप अंकल को बोलोगे तो अंकल यहाँ से वहाँ जाके दौड़ देंगे. And age इनका not less than 80 है. But seriously he is so fit. Look. Excuse me, shop is open. Open, okay, shopping is open. Oh, Wilk Omen in Gropston. Excuse me, shop, hello, shop is open, yeah. Okay. Let's vlog everything. Yes, Lulu? Okay. This way. Oh, this is the pathway. Pathway. Yeah, no problem. No, people are coming. Yeah. Some people are sleeping here. Oh my God. My legs are paining. No. Mugu, what happened? You're not excited. She like the fragrance of the chocolate. I think this way, na? Yeah. Okay. No, more than the uncle. Vlog कर ही नहीं पाती हूँ. इनका vlog निकलते हैं. वो भी कहती कि मैं भी तो इतनी सुंदर हूँ. My today's look. He's making sound was because of the fragrance of the chocolate. So this is the chocolate factory. Yes, Sonu? By the way, sir, how old this chocolate factory is? More than 100 years. More than 100 years? Huh. Oh my God, so much candies, chocolates. First of all, I'm going to show you guys. सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. These are the candies, the chocolates. Oh my God. This is because this is a chocolate factory. It's all over just chocolate. Look guys, type of chocolate we are having here. Chocolate जो हमारे पास यहाँ पे हैं मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें. Our auntie, our beautiful auntie guys. Auntie आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना. Yes. फिर आप व्लॉग आपको मिलेगा पूरा स्विट्जरलैंड का जितना हम ट्रिप किए हैं. ओके नाउ वाओ गाइस जो एक्चुअली फैक्ट्री है ना उसका एक लुकआउट मैं आपको दिखा देती हूँ. चॉकलेट फैक्ट्री का ठीक है लिंट चॉकलेट फैक्ट्री की मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. Oh my God, this all are full of chocolates and candies, guys. I have to show you. Look. Maybe there will be a difference in price. क्योंकि ये हम actually factory के इसमें आए. That's why. And I will show you everything. There is Nonu and Nonu का छोटा Nonu. Guys, dry fruit chocolates and. ये हो सकता है कोई गया आंटी क्या पता. अच्छा कोई गया होगा. हाँ हो सकता है आंटी. नहीं खुल जाएगी. अच्छा बाहर को खुल रहा है. बाहर को. लुक गाइस सरलेक टाइप चॉकलेट्स फॉर बेबीज बट इट्स ओके. हम एक्चुअली चॉकलेट फैक्ट्री देखने आए थे बट अलाउड नहीं है यहाँ के सिर्फ लोकल्स ही जा सकते हैं. बट हमने कहा कोई बात नहीं जो अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसको देखते हैं. नोनो चल सब में सुन. तो गाइस हम पहले सबसे पहले करेंगे शॉपिंग चॉकलेट. तो मैं एक ही चाहूँगी कि सब में से दो ट्राई करवाऊंगी क्योंकि हमें बहुत सारे गिफ्ट भी देने होंगे बुग्गू के लिए भी बच्चों के लिए. तो हम सब में से टू पीसेस ट्राई करेंगे. पहले कौन कलर ये नहीं आ रहा. दिस इज अ सेम कलर. नाउ दिस टू फ्रॉम दिस
ये दोनों अलग अलग हैं। नहीं पर कलर से कलर नहीं अलग ले लो दोनों अच्छे से चला दो। नहीं कुछ अलग नहीं है सब एक ही है। ओके देन साइकिल से लाइक्स हो गया नहीं हुआ नहीं ले 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 लिया दोस्तों other people's but really not entered in the factory yeah 1000 until 100,000 francs is there yeah it's special that's really interesting thing. So we have papa keh rahe video banao hum logo ka चॉकलेट की फैक्ट्री में घूम रही है छोटी सी बच्ची चॉकलेट की फैक्ट्री में। बच्चों कम ऑन गाइस देखो यहाँ पे कितना ऐसा डाउनवर्ड्स है। अभी पापा देखो कैसे ट्रॉली पापा टाइट से ट्रॉली पकड़ के लाइएगा। देखिए गाइस बहुत ज्यादा स्लोप डाउन है। कम कम बिहारी कम बिहारी ना स्विट्जरलैंड नो नो हैशटैग प्राउड बिहारी। क्रॉक्स पहन के छोटा बच्चा चलते हुए चॉकलेट फैक्ट्री में पापा का हाथ पकड़ के। क्या चॉकलेट की स्मेल आ रही है दोनों यहाँ से वेपर से। आहा देख रही हूँ अभी देखिए उतनी दूर से पैदल आ रही हूँ। पैर में लग रहा है दुखा नहीं है बेटा थक गए हो क्या। गाइस ये देखिए इस डॉग को आइए मैं इनसे पूछती हूँ इंग्लिश में कौन से ब्रीड है। एक्सक्यूज मी व्हाट्स द ब्रीड। ओह माय गॉड इट्स सॉरी ओह ही और शी इट्स मेल डॉग और फीमेल डॉग। Oh, you're looking so good, cute. But I thought maybe she is so he is so danger. Roaring at us. Lovely, na? Umnavi doggy to aapko bahut pyar se dekh raha hai, babu. Hai bugu? Guys, ab hum second destination ki taraf apne chal rahe hain. Dekhte hain kahan chalte hain. Let's go. Now you can first take a picture from the lake. एक ही ड्रेस एक ही जैसा कैप एक ही जैसा ऐसा क्या मेडल पहन के बच्चे लोग निकले हैं यार। बच्चे भी मतलब इतने स्मार्ट हैं गाइस कि क्या ही बोला जाए। अच्छा बस यहाँ पे रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम लोग बैठ जाए। कई लोग तो घूमने गए हैं बट हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। हाँ हम लोग यहीं बैठे हैं लेक कहाँ जाए थे धूप में क्योंकि मेरे पास बेटू भी तो है दोस्तों। बस हमारे यहाँ सब लोग गए उधर चर्च में हम नहीं गए क्योंकि धूप काफ़ी तेज था। ओम नवी के पापा यहाँ का पैसा काउंट करते हैं तो ओम नवी के पापा बोले तुम बैठो मैं बस में से ही अपना नमकीन नमकीन लेके आते हैं यहीं पर हम लोग खाते हैं तो मछली नमकीन यहाँ बैठ के हम लोग खाएंगे। अब
समुद्र, इधर ये, इधर हमारी मछली। तो गाइस दोनों तो वहीं बैठे, मैंने कहा आप बैठो बुक कर, अब मैं आप लोग के लिए यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए, देखिए सब लोग यहाँ पे अपना घूम रहे हैं, बस वाले भी इधर भी, ऐसा सोचिए स्टैंड करके मैं खुद ही फोटो ले लेती हूँ, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ओम नवी के पापा तो बैठे हैं, मैं सोचा लाओ पापा ब्लॉगिंग कर लें, क्या ही करें अकेले, है ना। एक चीज़ देखिए यहाँ पे मुझे बहुत अलग लगा, अच्छा लगा, यहाँ पे ना लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, एवरी वन इज जस्ट फिट एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ सब मोस्टली लोग साइकिलिंग करते हैं, अपने हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है एंड यही है मुझे यहाँ पे अच्छा लगा के नोना लोगों की इन चीज़ें मैं गौर करती हूँ कि कहाँ क्या चीज़ अलग होती है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत मैंने देखा है, ये पता नहीं क्या ही बात कर, हैंड टच करो, ये देखो यहाँ पे थोड़ी देर अपन बैठे हुए, अब वापस आ गए हम लोग बस में, जा रहे अपना लंच करने, तो निकली तक जो टूरिस्ट गाइड है वो बता रहा है कि ये यहाँ पे यहाँ का ओपेरा व्हाइट हाउस है, तो मैंने कुछ आप लोग और ये 17th century का बना हुआ है, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ भी नया कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, देखिए मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, ये देखिए 17th century कुछ कहते हैं आज का, आज तक ऐसी ही बिल्डिंग सोचे। अभी चल रहे हैं हम लोग दोस्तों लंच करने के लिए, तो आ रही गाइस रेडी फॉर द लंच, चलिए आप सब मेरे साथ। सो गाइस यहां पे उतर चुके हैं हम लोग लंच करने के लिए, मेट्रो जा रहे हैं, हां देखो ये देखिए ऑन रोड पे मेट्रो है, चलो गोल्डन इंडिया, यहाँ मेरी बस है, ये पूरा लोकेलिटी देख लीजिए आप, ये हमारा रेस्टोरेंट, वी आर क्लोज फॉर लंच बफेट, बिल्कुल मिलते हैं ना। नज़दीक किधर भी बैठ जाओ, यहाँ आ चुके हैं हम लोग रेस्टोरेंट बार में, यहाँ पूरा बार सेक्शन है, इधर अपने खाने का सेक्शन है, इधर नूना है, यहाँ बदमाश वाला बच्चा है, गाइस वहाँ पर कहा बहुत तक हमें आ रहा है ना, इसको जो जो खाना है बट खाना इसका निकल जाएंगे हम होटल के लिए, और होटल के जाने के बाद भी बहुत सारा प्रोग्राम है जो कि मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊँ। आज काला नाइट है, इसमें आपको एथनिक ड्रेस पहनना है, रेस्टोरेंट का हमारा खाना, हम लोग पति पत्नी दोनों एक ही प्लेट में खा लिए, निकालने का फिर इतना लगेगा। तो दोस्तों हमारा लंच हो गया, अब हम जा रहे होटल, और मेरे फ़ोन में बहुत गंदा सेटिंग सेट है, पति अभी चल के सेट करेंगे, क्योंकि मैं इतना एप्पल वाला फ़ोन मोस्टली सेटिंग्स यहीं से करवाती हूँ, क्योंकि इनके पास पहले बहुत टाइम पहले से है और मेरे को तो अभी मिला है इसलिए, एंड ऐसा नहीं है बट आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द सेटिंग्स इन एप्पल फोन, he is going to explore that and he know that chal main watch karta hu chal ba ha kal om navyo ne ki papa ekdam apne khal ke masti ke mood mein hum log ja rahe hain wapas apne hotel 20 minutes lage ga hame hotel aur jane mein guys thak ke so gayi क्या निकालना क्या चाह रही हैं, और कुछ है क्या आपके चश्मा चाहिए, ओ मगरमच्छ का तो तेरे लिए मैं एक्टिवेट कर दूँगा, हाँ। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम रूम में, और अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर शाम को मीट गाला पार्टी है, वहाँ जाएंगे 0 फ्लोर पे, तो फिर अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं एक दो घंटा। स्विट्जरलैंड ना, तो पेरेंट इज हियर, पेरेंट इज हियर, वेरी पेरेंट, पेरेंट योर पेरेंट्स, मदर फादर, योर मदर फादर, नहीं नहीं नहीं, मीट नॉर्मल, मीट माय नमाम, ओ हस्बैंड के साथ रहती हैं मैं, नमाम मतलब हस्बैंड, माय नमाम का माय फादर आज इन पोलैंड, एंड डू यू हैव किड्स, लाइक किड्स वो बोले कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, रिंग दिखाया तो ये कह रहे हैं मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ।
पापा ने। देखिए मेरा बुक्का, बुक्का के पापा दोनों रेडी हो गए। मैंने डाल लिया ये ब्लैक वाली साड़ी और इतना जल्दी जल्दी उठे कि जैसे थे तो बस इयर रिंग डाल लिया, बिंदी लगा लिए, लाइन आए ना कुछ लगा पाए, बट ठीक है, ठीक लग रहा है ना उन्होंने पक्का। आप कुछ चाहिए? बड़े सुंदर आप दोनों। MDRT is one thing, of course, and from MDRT rising to the ranks of COT and DOT is quite a matter. So, Dil Se. With this, I will call all Aarti Krishna. I think the power of ladies are great. दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग गाला नाइट से यहाँ पे कैसे आ गए, क्योंकि अभी तो नोनू को अवार्ड फंक्शन में अवार्ड भी मिलना था। एक्चुअली आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि जब मैं ईटानगर से निकल रही थी स्विट्ज़रलैंड के लिए तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरे स्टमक काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं जाके डॉक्टर के पास इंजेक्शन भी लगवाई। बट आज वापस से यहाँ पर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो एंडी ने कहा कि जाने दो, अवार्ड तो मैं बाद में भी आके ले लूँगा, सबसे पहले आपका हेल्थ ज़रूरी है। तो हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल अपना अवार्ड फंक्शन बीच में ही छोड़ के, तो व्लॉग तो हॉस्पिटल में नहीं बना पाए हम लोग। बट हाँ, अब मैं वापस से होटल चल रही हूँ डॉक्टर को दिखा के, और चलिए आप लोगों से अब डायरेक्ट होटल में चल के बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग गए थे अवार्ड लेने के लिए, फिर बीच में मैं उसी साड़ी पहने पहने मैं चली गई हॉस्पिटल, क्योंकि तबीयत हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, तो इसलिए जाना पड़ा मुझे। और अभी हम लोग आए हैं हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह लेके, तो अभी पूछे तो पता चला कि एंडी का अवार्ड लेने का टाइम जा चुका है। तो अवार्ड तो रखा हुआ है, बट वो जो एक चीज़ होता है ना कि स्टेज पे जाके लेना, वो नहीं हो पाया। तो वही मैं बोली थी दोस्तों कि वो जो एक टाइम होता है ना स्टेज पे जाके लेने का, वो नहीं हो पाया क्योंकि एंडी मुझे लेके चले गए थे हॉस्पिटल। मैंने बोला था कि एंडी आप रुको यहाँ पे, मैं दिखा था, बोलते कि अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो ज़्यादा, तो मुझे लेके गए। बट वो इस दिन का मतलब लास्ट वन ईयर से वेट कर रहे थे कि उनको स्टेज पर बुला कर प्राइज दिया जाए, बट मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो मैंने अभी बोला कि एंडी यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बोले कोई, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों कि मैं एंडी के एक्चुअली, और मैं सच आपको बताऊँ मैं भी इसी दिन का वेट कर रही थी कि कब गाला नाइट आएगा, कब मैं एंडी को प्राइज देते हुए देखूँगी। बट वही है कि जो भगवान चाहता है वही होता है। मेरे स्टमक इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मैं, हम लोग तुरंत हॉस्पिटल गए और अभी मेडिसिन वगैरह लेके आए। बुगुआ हमारे साथ ही हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों सावधान विश्राम की स्पीड में खड़ी हैं। तो अभी इंडिया, तो अभी इंडिया आने वाले खाने लेके, यहीं पे हम लोग खाना खाया जाएगा, तब भी ठीक नहीं इसलिए। एंड ये देखिए बुगु को दिख रहा है आप लोगों को, इंडिया के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है सच बताऊँ तो। बहुत वेट कर रही थी इस दिन का उनको स्टेज पर देखने के लिए कि मुझे स्टेज पर लेके जाते, बट इट्स ओके, भगवान हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपने अब नहीं किया है तो। यहाँ पे मेरे लिए खाना लेके आ गए हैं दोनों ने, यहाँ का टाटा वाले ही थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें लेके आए हैं, इसमें भी थोड़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें भी इतना मैं खाऊँगी तो नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इतने दिन से वेट कर रही थी कि बट क्या करूँ। आज मैंने सुबह जो ड्रेस पहना था आने के बाद वही मैं चेंज कर लिया साड़ी निकाल के। दोस्तों अभी एंडी का फ़ोन आया था, मतलब वो नीचे गए हुए ना वो अवार्ड रिसीव करने से, पता है
एक चीज सुनकर मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि आंटी ने बोला ना जो जिन जिन लोगों का इस मंथ में बर्थडे था, जिस मेरा बर्थडे है इस मंथ में, तो उन्होंने बोला जिस जिसका बर्थडे था ना उन सब लोगों को बुला करके ऊपर केक कटवाया था, और हम हॉस्पिटल में थे, मेडिसिन ले रहे थे। अरे यार इतने दिन से इस दिन का वेट कर रहा हूँ, और भगवान जी पता नहीं यार लोगों की नज़र की क्या है कि साला इसी टाइम सब कुछ हो जाता है। बट कोई बात नहीं, अवार्ड नहीं मिला, मतलब अवार्ड स्टेज पे आके वो नहीं हुआ, एंड मेरा बर्थडे का केक नहीं कटा, पर कोई बात नहीं, इनके साथ हैं एक रूप में चाहे एक पहाड़ के नीचे, साथ में जो वक्त मिल रहा है वही काफ़ी है एक दूसरे के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। अवार्ड तो मुझे पता है कि मेरा पूरा घर भर सकते हैं मेरे पति, इतने ज़्यादा टैलेंटेड है अपने अवार्ड अपने काम से, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे पति हैं।